जीवन गार्डन गांधी ग्राम कानपुर। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती है, अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइए। मेरा नाम निवेदिता गुप्ता है, पति श्री जय कुमार गुप्ता, पता 1B4 जीवन गार्डन गांधी ग्राम, मोबाइल नंबर ये, मैं कानपुर की निवासी हूँ। कहीं बैठी हैं क्या? अगर पीछे हैं हाथ हिला दो एक बार, हाथ दिख गए हो, ठीक है। श्री शिवाय नमस्ते। पति आए हैं साथ में? आए हैं, ठीक है। अगर आ सकते हो तो धीरे धीरे आकर एक बेलपत्र ले जाओ, धीरे धीरे आना आराम से। मेरे पति का स्वास्थ्य फरवरी 2023 में खराब हुआ। उनको एक ऐसी बीमारी हो गई जो लाखों में एक को होती है। हमने इसी बीमारी कभी किसी को नहीं देखी। भोजन करने वाली आहार नली में छाले पड़ गए और आहार नली में छाले पड़ते 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 पड़े पूरे मुंह में छाले पड़ गए। फिर धीरे धीरे उनको फंगस इंफेक्शन होने लगा और पूरे छाले उनके शरीर में निकल गए। पूरा शरीर छालों से भरा गया। फरवरी का महीना 2023 की बात गुरुदेव, हम लोगों ने 10-12 दिन तक डॉक्टरों को दिखाया, ऐसा कोई डॉक्टर कानपुर का, लखनऊ का, गोरखपुर का नहीं बचा जिसको हम ना दिखाए। फिर दिल्ली भी हम लोग दिखा, सारे डॉक्टरों का इलाज करवाया, पर कोई फर्क नहीं आया। छाले पड़ते पड़ते उनकी जीभान में छाले वाली जगह पर छेद होना चालू हो गया और छेद पूरा जीवन के अंदर हो गया। जब ये बीमारी डॉक्टर के भी पकड़ में नहीं आ रही कि कौन सी बीमारी है कि जिसमें शरीर में छाले पड़ गए, शरीर के अंदर छाले पड़ गए और उस छाले वाली जगह पर छेद होना प्रारंभ हो गया। जो जीवन में छाला हुआ था उसमें छेद होना चालू हो गया और बहुत लंबा छेद उस जीवन के अंदर हो गया। बीमारी का पता ना कानपुर वालों को लगा, डॉक्टरों को ना कहीं लगा। हम उनको नागपुर भी ले गए, लखनऊ भी ले गए, हम उनको दिल्ली भी ले गए, पर मेडिकल के अंतर्गत इसके कोई इलाज नहीं। डॉक्टर ने कहा यह गंभीर बीमारी है, हम अब वो छाले में से पानी निकलना प्रारंभ हुआ, जो छेद हुआ था उसमें से भी पानी रिसना प्रारंभ हो गया। दवा से आराम लग नहीं रहा और डॉक्टर कहते हैं कि इसको हम हॉस्पिटल में नहीं रख सकते क्योंकि पूरे शरीर पर छाले थे और छाले के साथ में वो छेद होते चले जा रहे थे। अब करें तो करें, तब हमारी पड़ोसन ने कहा कि तुम टीवी पर कथा आती है उसको सुनना प्रारंभ करो। पहली बार जिंदगी में आपको सुनना प्रारंभ करा और 2023 में पहली बार आपकी कथा सुनी। अब डॉक्टर ने कहा कि उनकी बायोप्सी करवाना पड़ेगी और जो बायोप्सी करवाने के लिए उनको कहा, तब हम वर्णन क्या करें गुरुदेव, शरीर में रोग बढ़ता चले जा रहा है, समझ नहीं। पड़ोसन करें कथा सुनो, कथा सुनने से क्या रोग कट जाएगा? पर आपकी कथा ने हमें बल दिया, जीने की राह दे दी और आपने कह दिया चिंता ना करना, भोले बाबा कितनी भी मोटी फाइल हो उसको काट दे जरूर। बल आ गया शरीर में, पति ने भी कह दिया मैं ठीक होऊंगा और वो सीओर वाला महाराज कथा में कहता है कि कोई खाली नहीं जाता तो मैं आसन लगाकर कथा सुनूंगा। शरीर में से पानी बह रहा है छालों में से, अंदर जीवन में छेद होता चले जा रहा है और पति और हम आसन लगा के टीवी के सामने कथा सुन रहे हैं। गुरुदेव हम बाबा का क्या वर्णन करें, धीरे धीरे शरीर के छाले में से पानी निकल गया। फिर हम डॉक्टर को दिखाने के लिए गए तो डॉक्टर ने कह दिया था इसको एक बड़ी बीमारी हो गई है। पर जब हम डॉक्टर को बायोप्सी कराने के लिए वापस गए, वापस जाने पर डॉक्टर कहता है कि इनकी तबीयत ठीक नहीं, इनको वापस घर ले गए। हमने पशुपति व्रत करना प्रारंभ करा, फिर बाबा की कथा वापस टीवी के सामने सुनी और बाबा से प्रार्थना करी। वो सीओर वाला महाराज कहता है कि तू खाली नहीं छोड़ता तो हमको कैसे खाली छोड़ दिया। तब बाबा
बाबा है गुरुदेव, और हमारी दूसरी जांच जब करने के लिए गए तो जीवाणु का छेद भी भरा चुका था और बायोप्सी रिपोर्ट भी अच्छी आई और मेरे पति पूर्ण तरह से ठीक हो गए। मैंने बाबा से प्रार्थना करी थी जिस दिन मेरे पति ठीक हो जाएंगे जहां कथा होगी वहां जाऊंगी, और बाबा की कृपा से आज मैं कथा सुनने के लिए कुबेरेश्वर बाबा की पवित्र भूमि पर पंडाल में आया हूं। गुरुदेव थोड़ा बहुत रोग रह गया था, हम 3 दिन से इस जमीन पर सो रहे हैं, बाबा की कृपा से हम पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं। हम बाबा को यहाँ नमन करने के लिए, ये शिव तत्व है, ओ घड़ी है। शरीर तो पूरे साल ठीक हो गया।